दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा राउंड का। अब राउंड क्या होता है मैं उसको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हमारे कैरियर लाइट लगता है ना, तो ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे घूमता है दोस्तों। अब ये जो घूमता है ना, ये पूरा राउंड नहीं ले पाता। अब ये पूरा मतलब राउंड कम होता है तो कितना राउंड कम होता है दोस्तों, तो कितना घूमता है। राउंड ज़्यादा होता है तो कितना घूमता है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो ये है वो 257 का पुर्जा। दोस्तों जब हम इस गोली को थोकते हैं ना, तो इससे ही इस गोली से ही हमारा राउंड बढ़ाया जाता है। अब ये बढ़ाते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, तो दोनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसके राउंड को बढ़ाने से पहले ये बताता हूँ, अगर राउंड कम होता है तो उसमें क्या कमी आती है ना, और अगर राउंड ज़्यादा होता है तो उसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, तो दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो है ना सिलाई देखेंगे। सिलाई देखने में आपको ये बताऊँगा राउंड कम होने पर परेशानी क्या आती है। तो चलते हैं फिर सिलाई की तरफ। तो दोस्तों देखो मैं ना सिलाई चेक कर रहा हूँ उसकी, और आप देखना कि डब्बी में धागा कैसे निकलता है। ये देखो ये देखो फंस गया ना धागा, यानी फंस के निकलता है दोस्तों। ये देखो यानी कि धागा जो है दोस्तों फंस के निकल रहा है। राउंड कम होता है ना तो दोस्तों यही कमी आती है, धागा फंस के निकलता है। अगर हम इसे ज़्यादा तेज चलाएंगे तो क्या झटके से धागा तोड़ देगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो इस तरीके से आवाज़ भी करेगा, कम होने की वजह से धागा मशीन तोड़ देती है। तो अभी ये कैसे सही करते हैं दोस्तों, अब मैं आपको इसको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं राउंड कम क्या होता है, देखो ये जो हमारे कैरियर का जो कोना है ना, तो ये जो है ना इस साइड में है, यानी कि नाल के इस वाले हिस्से पर लग रहा है, बल्कि इससे और पीछे है, तो यहाँ पे ये कम होता है, ठीक है। हमें जो है ना इसका कोना दोस्तों, ये जो हमारा कैरियर का कोना है ना ये वाला, क्योंकि हमें ले जाना दोस्तों यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर फुल आ गया, मैं यहाँ पर फुल कर दिया दोस्तों, ये यहाँ पर फुल है ना, इस साइड के कोने पर है ये। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, ये मुझे इस साइड के कोने पर लाना यहाँ पर, ठीक है। देखो इस साइड के कोने पे लेकर आना, इस साइड में मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये कम है ना राउंड, अब इसको बढ़ाते कैसे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो, और दोस्तों देखो ये जो सुई आ रही है ना यहाँ पे, ये देखो कहाँ पर आ रही है दोस्तों, ये सुई यहाँ पे, ये सुई आई, ये यहाँ पे सुई नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये राउंड कम है तो ये जो है ना सुई है दोस्तों, जब ये राउंड सही हो जाएगा तो दोस्तों देखो सुई आएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, देखो सुई हमारी यहाँ आ रही है, तो हमारी जब राउंड हमारा तेज हो जाएगा तो सुई हमारी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे, और यहीं पे आनी चाहिए दोस्तों। ये अगर ये यहाँ आती है तो समझ लो ये सही नहीं है यहाँ पे आनी, ठीक है। और जब इसमें राउंड करना तो ये यहाँ इसलिए आ रही है, और जब मैं इसे सही करूँगा ना राउंड बढ़ा दूंगा तो दोस्तों सुई हमारी यहाँ आएगी, और ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो दोस्तों ये जो ना राउंड कैसा बढ़ा है। दोस्तों देखो गोली को हम इस तरीके से बांस में बांध देंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से बांध देंगे, और बांधने के बाद हम इसे ऐसे निकालेंगे दोस्तों। देखा आपने मैंने कैसे घिस दिया इसको, और दोस्तों अगर आप चाहो तो ग्राइंडर पे इसे आप घिस सकते हैं। इसे घिसने के बाद, ऐसे बराबर करने के बाद इसे हम दोबारा बांधेंगे, फिर इसको नरम बांधेंगे, ठीक है। नरम बांधने के बाद में इसके ऐसे हम एक सुम्मी लेंगे और इसको ऐसे नीचे निकाल देंगे दोस्तों। ये देखो हमारा इस तरीके से ये निकल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ना राउंड कैसा बढ़ाया जाता है। देखो इस तरह से हम पुर्जे को बांध देंगे, बांधने के बाद गोला रेती लेंगे दोस्तों इस तरीके से, और देखो जो है ना हम नीचे की तरफ घुसेंगे, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ घुसेंगे तो ये जो है ना राउंड बढ़ेगा। अगर दोस्तों हम ऊपर की तरफ घुसेंगे तो राउंड घटेगा हमारा। तो दोस्तों हमें उसी तरीके से ऐसे घिसना है, बराबर घिसना से नीचे को दोस्तों, जितना हम राउंड बढ़ाएंगे ना उतना ही हमें इसे घिसना है। अब ये आप कैसे पता लगेगा कि हमें कितना घिसना है, तो दोस्तों देखोगे ये ना एक से दो गोली, एक से एक या दो गोली आपको बदलनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे अगर आपने अच्छा दिमाग लगाया तो आप एक ही गोली में इसका राउंड बढ़ा दोगे, क्योंकि जो ना जो मैं घिस रहा हूँ कि हिसाब से घिसा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा घिस दो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा घिस जाता है ना दोस्तों तो हम जो ना फिर उसी हिसाब से इसके अंदर जो ना गोली झंड करेंगे दोस्तों, उसी हिसाब से हम इसके अंदर पैकिंग लगाएंगे दोस्तों। देखो ये लेबल है, मैं इसकी पैकिंग बनाऊंगा, और पैकिंग कैसे बनाते हैं बता। देखो मैंने जो ना इस साइड में जो है ना जगह बनाई है, देखो इस साइड में यानी है ना, देख लो आप मैंने कैसे रखा है इसको। अगर आपको राउंड बढ़ाना है तो दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ ये हमें जगह बनानी पड़ेगी, और यहीं पे इसकी पैकिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर दोस्तों हमें राउंड घटाना है तो दोस्तों फिर हमें इस साइड में घिसना पड़ेगा। और दोस्तों देखो जैसे मुझे लगा कि इतनी जगह पे वो आ जाएगा, तो मैंने जो है ना दोस्तों उसी हिसाब से देखो इसे इतनी जगह बना दिया दोस्तों, है ना। तो आप भी इसी तरीके से ये घटाना हो तो आपको दोस्तों इस साइड में रगड़ना, इस साइड में, और अगर राउंड बढ़ाना हो तो आप इस साइड में रगड़ना, ठीक है। दोस्तों अगर राउंड हमें कम करना होगा ना तो हमें यहाँ पे इस साइड में सीधा हाथ की तरफ पैकिंग लगानी है। देखो देख सकते हो मैंने किस तरीके से पैकिंग लगाई है। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने बताया था कि अगर राउंड हमें बढ़ाना है तो हमें उल्टे हाथ की तरफ पैकिंग लगानी है, तो आप भी इस तरीके से कम ज़्यादा कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगाएंगे मैं आपको ये और बता देता हूँ। दोस्तों ऐसा एक लेबल लेंगे ख़राब, जो हम जो हमने देखो ये काट लिया, अब इसको हम यहाँ रखेंगे बाँख पर, बाँख पर जो ना ये सब मोड़ लेंगे हथेली मार के, तो ये जो ना इसके अंदर दोस्तों आ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरह से पीछे से आ जाता है, और मैं इसे ठोक के दिखाऊं। तो देखो मैंने ये पैकिंग इसके अंदर लगा दिया, और देखो इस तरीके से इसमें झट कर दूँगा।
डिफेंड करेंगे तो गोली बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और आप भी ऐसी गोली ले लेना जो बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी गोली झंड, आपकी गोली भारी हो जाती है तो आप ऐसे गोली को बांध दे, ऐसे घुमा के इसको फ्री कर लेना दोस्तों इस तरीके से। लेकिन दोस्तों याद रहे गोली हमारी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा भारी है तो हम इसमें ब्रासू भी लगा सकते हैं दोस्तों, अगर ज़्यादा भारी है दोस्तों तो इस साइड में देखो, इस साइड में हम ब्रासू भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। लेकिन इसे फ्री कर लेंगे, और फ्री करने के बाद दोस्तों इसको है ना हम धो देंगे बढ़िया करके, ठीक है। इसमें ब्रासू नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से हम इसे गोली ठोकना है, गोली निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। इसे जब हम गोली जब दोबारा ठोकते हैं राउंड बढ़ाने के लिए बाद, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ऐड आता है। तो ये ऐड कैसे निकलता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नुकता बताने वाला हूँ कि कभी भी जो है ना आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इसे हम जो है मतलब आधे घंटे में, दो घंटे में, डेढ़ घंटे जो भी आप टाइम लगाते थे दोस्तों, आज के बाद इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ एक ही मिनट लगेगी, एक मिनट में आप इसका ऐड निकालना दोस्तों। जब हम इसे लगाएंगे ना, तो देखो ये संतरी हम खोल लेंगे, नंदा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप भी ऐसे कर लेना, आप चाहे डंडा निकालो तो निकाल लेना, नहीं तो ये कोई फर्क नहीं, ऊपर नीचे का डंडा मत निकालना, खाली संतरी खोल लेना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखो जब इसे लगाएंगे तो ये सुराख इसका ऊपर होना चाहिए इस तरीके से, और मैं आपको थोक के और दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने ज़्यादा ठोक दिया, तो हम ये ना यहाँ पे ऐसे चोट मार के इसे फ्री कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अंदर तो फ्री है, इसका जो ऐड है ना दोस्तों अंदर तो फ्री है, अब ये बाहर को आ रहा तो बहुत टाइट हो रहा है, यानी कि बहुत टाइट हो रहा है। अब दोस्तों इसका ऐड हम कैसे निकालेंगे, और ये एक मिनट में कैसे निकलेगा दोस्तों। आप इससे पहले आप कितना भी टाइम लगाते होंगे ना, तो आज के बाद है ना आपको इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आपका टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको एक ऐसा नुकता बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक ही मिनट में ना दोस्तों आप इसे निकाल दोगे ऐड को। तो दोस्तों देखो इसका ऐड निकाल लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये टाइट है ना, तो इस नंदे को है ना हम ढीला कर देंगे, देखो दोस्तों इस तरीके से इतना ढीला कर देंगे, ठीक है। अब ढीला करने के बाद दोस्तों जैसे बाहर की तरफ बता रहा, तो देखो यहाँ पे हम उंगली लगाएंगे इसके अंदर, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो देखो जैसे बाहर की तरफ हो रहा ना भारी, तो देखो इसके ना हम यहाँ पे उंगली लगाएंगे, तो देखो ये फ्री होने लगा, देखो देख रहे हो ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें चोट कहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों जैसे ये 2057 लगे ऐसे लग रहा है ना, अगर हमने यहाँ पे उंगली लगाई ना, तो दोस्तों ये ऐसे लग रहा है ना दोस्तों, देखो ये ना यहाँ पे चोट लगेगी इसके सामने, आप देख सकते हो मैं कहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे चोट लगेगी बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ चोट लगेगी इसमें, तो इस अब दोस्तों अगर मान लो कि अंदर की तरफ भारी है, यहाँ की तरफ भारी है, मैंने यहाँ से उंगली सपोर्ट दी उंगली की, तो दोस्तों ये फ्री अंदर ये ना फ्री बता रही है ना। तो दोस्तों फिर देखो ये ऐसा लगता है, तो इसको हम पलट देंगे, और देखो दोस्तों फिर इसके यहाँ पे चोट मारोगे आप यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से चोट मारोगे तो अंदर का हिस्सा फ्री हो जाएगा। पर दोस्तों अगर ये बाहर की तरफ भारी बता रहा, तो यहाँ पे चोट मारना, ठीक है। तो ये तो हो गया अंदर बाहर का है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए और इधर भी फ्री है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी भारी बता रही है, यानी कि नीचे की तरफ भारी बता रही है। दोस्तों हम देखो यहाँ पे सपोर्ट देंगे उंगली की, तो जब दोस्तों यहाँ पे ऐसा उंगली रखने से फ्री होगी ना, तो दोस्तों देखो इसके ना यहाँ पे चोट लगेगी, यहाँ पे चोट मारना, ठीक है दोस्तों। और ये चोट कैसे लगती है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बता रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये फिर भी भारी है, तो हम दोस्तों फिर नीचे से लगाएंगे इस तरीके से, देखो मैंने कैसे उठाया। तो जब ये ऐसा हम नीचे से लगाएंगे ना दोस्तों, तो देखो ये यहाँ से चोट लगेगी इसके, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका है ऐड निकालने का। तो दोस्तों देखो अब मैं यहाँ से सपोर्ट लगा रहा हूँ, तो ये दोनों तरफ यहाँ पे फ्री है और यहाँ भी फ्री है। तो दोस्तों देखो एक तरीका तो उसको ये है कि हम हथौड़ी लेकर यहाँ पे हथौड़ी लगा के इसको चोट मार सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसे हम बांस को भी मार सकते हैं लगा के। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों, आप इसे मशीन के अंदर भी निकाल सकते हो, अगर आप अकेले हो तो किसी ऐसे बांस को दबा के भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास कोई है तो आप है ना उसकी सपोर्ट से हथौड़ी नीचे लगवा के मशीन के अंदर भी निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देखो मैं इसे यहाँ पे चोट मार दी दोस्तों, इस तरीके से ये इसका ऐंठ निकलता है दोस्तों। अब मैं अगर ये भारी हो जाती है दोस्तों, तो हम फ्री कर लेंगे, ठीक है, और नहीं हुई तो इसे लगाएं। दोस्तों देखो ये जो है ना ऐंठ इसका निकल चुका है, ठीक है। अभी ये नंदा हमारा ढीला है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये नंदा कसेंगे और इसका ऐंठ हम देखते रहेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर ये हल्की भारी बताएगी ना, तो इसमें बता देगी दोस्तों। जब ये नंदा टाइट हो जाएगा, तो उसके बाद देखो दोस्तों आपको पता लग जाएगा ऐड है या नहीं। अगर ऐड बताता ना, धीरे धीरे नंबर टाइट करेंगे दोस्तों, याद रखना। और जैसे जैसे हम टाइट करेंगे, तो भारी बताती है तो आप चार तरफ ऐसे उंगली का इशारा दे देंगे। नीचे से अगर हल्की हो रही है तो दोस्तों फिर नीचे से चोट मारेंगे, अगर ऊपर रखने पर हो रही है तो आप जो ना ऊपर से चाबी से भी ऐसे दोस्तों ऐसे करके चाबी से भी इसे नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हो, और अगर ऊपर को मांगे तो दोस्तों चाबी से आप ऊपर को भी इसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो इसका ऐठ निकलता है दोस्तों, अगर ये इधर से मतलब जैसे जैसे आप नंदा टाइट करोगे ना, इसी हिसाब से आप देख लेना किधर की सपोर्ट, उंगली लगा के चेक कर लेना, ठीक है। देखो अब इस तरीके से इसका
हेठ निकलता है दोस्तों। तो देखो कि कितना आसान हेठ है, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से निकाल लेना इसका हेठ। करते हैं जैसे आप मान लो नया नमदा लगाते हो, नया गोली ये सब लगाते हो, है ना, तो आप भी इसी तरीके से कर लेना हेठ इसका जैसे निकलेगा। तो दोस्तों उसमें पहले हम नमदे मिलाना होता है, तो दोस्तों आप है ना इसमें मिलाने के बाद में जो है ना इसी तरीके से निकालना। देखो गोली जब हम लगाते हैं ना समझ लो कि नया नमदा है, ठीक है, इसमें क्या है लूजिंग होती है। तो दोस्तों आप इसे नमदे के अंदर भी टाइट कर लेना गोली को। तो दोस्तों बिल्कुल नई की तरह आपको फिटिंग करनी है इसके अंदर। और दोस्तों अगर आपको लगे कि डाउट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके व्हाट्सअप कॉल करके पता कर सकते हो। दोस्तों टेंशन मत लेना, बिंदास कॉल करना, ठीक है। दोस्तों जब भी हम कैरियर ठोकते हैं ना इसके अंदर, जो हम 257 का पुर्जा लगाते हैं, तो दोस्तों हमें पता नहीं होता कि हमारा जो है मतलब कैरियर बिल्कुल राइट आया, यानी 19-20 आउट आता है, या तो थोड़ा सा इधर को आएगा या थोड़ा सा इधर को आएगा। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इसको है ना अंदर के अंदर यहाँ से मोड़ लेते हैं। तो मोड़ तो कैसा है वो और तरीका बताएं, बड़ा पेंसिल ले लेंगे और ये 10-11 की चाबी ले लेंगे। तो देखो दोस्तों कैरियर के अंदर के ऐसा आ जाती है, फंस जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे नीचे करेंगे ना, तो देखो नम यहाँ ऐसे लगा देंगे और चाबी से इसे नीचे को मोड़ लेंगे अगर हमें कैरियर इधर को घुमाना है। और दोस्तों अगर ऊपर को घुमाना है तो नीचे से देखो कैरियर को ऐसे पकड़ेंगे चाबी से, और देखो दोस्तों यहाँ पे है ना पेचकस, यहाँ पे पेचकस लगा देंगे तो ये ऊपर को उठ जाएगा। तो दोस्तों हम इसे ऐसे भी सेट करो। तो देखो पहले जो है ना यहीं पे था ना इसका राउंड, अब मैंने इसका राउंड बढ़ा दिया। तो दोस्तों देखो ये जो कैरियल है ना हमारा, देखो यहाँ पे आ गया। तो देखो दोस्तों इस तरीके से इसका राउंड बढ़ाया जाता है। अब ये इस कोने पे हमारा कैरियल आ गया, आप देख सकते हो दोस्तों मैंने कितना इसका राउंड बढ़ा दिया। तो दोस्तों आप याद रखना इस नाल का जो ये कोना होना है ना, इसके बराबर में आप रखना इसका, ठीक है। दोस्तों देखो पहले जो है ना यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ठीक है। तो अब मैंने इसको इतना बढ़ा दिया, तो दोस्तों अब हमारा धागा बिल्कुल फंस के नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मैं इसकी सुई दिखाता हूँ आपको कि सुई हमारी कहाँ पर आ रही है। दोस्तों देखो यहाँ पे हमारी अब सुई आ रही है, बिल्कुल सही सेंटर है इसका सुई का। तो दोस्तों देखो जब हमारा राउंड सही हो जाएगा तो देखो इतना इसका सुई से इधर है ना शटल निकलना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक एकदम ऐसा तरीका, इतना अच्छा नुक्ता बता दिया है कि ये जो ना मशीन अब कभी भी है ना यहाँ से धागा जो ना फंस के नहीं निकलेगा, ना यहाँ से धागा टूटे। दोस्तों अब बात करते हैं राउंड ज़्यादा की। अगर आपकी मशीन में ज़्यादा राउंड होगा ना दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा राउंड होगा ना, तो मशीन जो है ना स्लो चलाओगे तो सही चलेगी, लेकिन तेज़ चलाओगे तो फिर भी धागा तोड़ेगी। तो दोस्तों राउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम सही रखना, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा तरीका, आप इस तरीके से इसका राउंड बढ़ा लेना, और मैं आपको इसकी सिलाई करके और दिखाऊंगा। तो फिर हम इसकी सिलाई चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई आई है, आप भी इस तरीके से इसकी राउंड को बढ़ा लेना। दोस्तों ये देखो इस तरीके से इसका राउंड बढ़ता है, देखो फर्स्ट क्लास कितनी सिलाई आई है। दोस्तों जब आपका राउंड जब सही सब कुछ सही हो जाएगा, ऐड निकल जाएगा, राउंड सही हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसे इसमें रोड लगा के यहाँ पे इस तरीके की पिन लगा देना ड्रिल मशीन से सुराख करके। दोस्तों की पिन लगानी जरूरी है, अगर आपने पिन नहीं लगाई तो दोस्तों की जो ना मशीन चल चलती फिर जो कैरियल आगे पीछे घूम जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पिन लगा देना, पिन लगा दोगे तो बिल्कुल मशीन जैसे आप छोड़ोगे सेटिंग करके वैसे ही सेटिंग उसकी रहेगी और कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप मशीन अटका के फंसा के चलेगी तो राउंड की वजह से चलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका राउंड निकाल लेना। और दोस्तों जो मैंने आपको नमदे का हेड निकालना बताया ना गोली का, तो वो आपको समझ लो परेशानी नहीं होने वाली, तो आप इस तरीके से इसमें हेड निकाल लेना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।